नेपाल भी पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसको भी जो है सेकुलर कंट्री बना दिया गया। मतलब सोचिए कितना किस टाइप से वो लोग चाल चल रहे हैं। और हम हिंदू समाज अगर उनके घर में 2 गाड़ी हो गया तो हम लोग यही सोचेंगे 4 गाड़ी मेरा भी हो जाए। अगर हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें भगवाधारी गुंडा कह दिया जाता है, और वो सरेआम रिंकू शर्मा। मैं बार बार रिंकू शर्मा का इसलिए, शहीद रिंकू शर्मा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके पीछे जो हिजड़े 15 से 20 हिजड़े उनके घर में घुसे थे, वो प्रभु श्री राम का नाम लेते रह गए और वो उन्होंने पीठ पीछे से वार किया। एक अकेला बजरंगी पीठ पीछे से उनके ऊपर में वार किया, 20 जो हिजड़े हैं मिलके उनको मारने गए, और फिर भी रिंकू शर्मा पीछे नहीं हटा क्योंकि वो प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हुआ था। ये है हमारा बजरंग दल। जब जब कभी भी हमारे लोग कहते हैं कि बजरंग दल वाले क्या है, मैं उनको बता दूं, जब भी कभी हमारे मठ मंदिरों पे जब कोई आंख उठा के देखने का कार्यकर्ता, उसका हाथ तोड़ने का कार्यकर्ता है, हम बजरंग दल के कार्यकर्ता। जब हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होता है, उसका जुबान खींचने का कार्य कर सकता है बजरंग दल का कार्यकर्ता। मैं बार बार बोलता हूँ, एकता बनाए रखिए। और एक बजरंग दल भजन भी आप लोगों को सुनाते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा जब सुनते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महानाम जब नाम सुनावे। बजरंग दल भजन, बेधर्मी अधर्मी निकट नहीं आवे, बजरंग दल जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय श्री राम।